अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम जा रहे हैं कीड़ों की तलाश में। इसको कीड़े चाहिए, अब ये इसको खुद भी नहीं पता है किस लिए चाहिए, इसके टीचर ने मंगवाए, हो सकता है कोरोना बनाए। तो अब देखते हैं कीड़े कहाँ से मिलते। सबसे पहले हम इस जगह पे आ गए। अब इधर पत्तों को हटा हटा के ये देखिए कीड़े मिलते हैं या नहीं। चलो देखो हसन। अबे क्या नजाकत से हटा रहे हो, सही से हटाओ ना, ऐसे ऐसे करके उठा उठा के देखो इसके अंदर होगा कोई ना कोई अच्छा सा कीड़ा मिलेगा। तुम यहाँ पे ढूंढो, मैं आगे जाके देखता हूँ। बस ये एहतियात करना कि सांप ना निकल के आ जाए, वो यहाँ पे वो भी होते हैं क्योंकि अच्छा कीड़े ज़्यादातर होते हैं पत्थरों के नीचे। तो हम लोग ना अब पत्थर और ऐसी चीज़ की तलाश करते हैं। इसके अंदर हो सकता है कीड़े हों, इसके अंदर कोई है कीड़ा नहीं है। तो बाकी के अंदर देखते हैं क्या मिला कुछ। यही लेके जानी है तुम्हें? नहीं ये तो बहुत छोटी है। तो छोड़ दो ना, उनका घर क्यों खराब कर रहे हो। मकड़ी का घोंसला है, इसके अंदर मकड़ी के शायद अंडे हैं। हाँ घोंसला एक ही चीज होती है यार। चिड़िया का जब घोंसला होता तो मकड़ी का घोंसला नहीं हो सकता। कितना प्यारा लग रहा है। इसके अंदर होगी देखो मकड़ी। मकड़ी नहीं है, गई भी नहीं है। तुम्हें बता के गई थी क्या? हाँ ये बात भी, लेकिन यही तो खाना है, इसी जगह पे तो खाना आता है मकड़ी का। हाँ ना, जाल क्यों बनाती है वो? क्यों बनाती है? क्योंकि उसमें कीड़े फंस जाएं तो वही तो खाना होता है। वो खाना लेने कहीं और जाएगी, पागल है वो, जाल बना के कहीं और चली जाएगी शिकार पकड़ने, ऐसी थोड़ी करती है वो। इसमें देखो बताइए, ये मॉडर्न टाइप की मकड़ी हो। हाँ फूड पांडा वाला ला रहा हो, कॉल करी हो फूड पांडा वाले को। इसको कहा था कीड़े ढूंढो, ये चीकू ढूंढना शुरू हो गया। हम लोगों ने इसको इसलिए लगाया हुआ है ताकि कौवे कबूतर तोते खाएं। हम लोग जो है ना जानवरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। ये देखो ये होता पका हुआ, टूट गया ना क्योंकि नरम है ये। ये देखो ये भी तो नरम है। तो टूटा है नहीं, फिर नरम नहीं है वो। देखें कीड़े एक और जगह पे भी पाए जाते हैं। गिलहरियाँ नहीं पकड़नी है, गिलहरियाँ लेके चलें। वैसे कीड़े पकड़ेंगे हम, वो होते हैं दरख के अंदर भी होते हैं। अभी देखते हैं आपको दिखाते हैं, हसन निकालेगा उसके अंदर से। मुझे थोड़ा डर लगता है क्योंकि तो चुपकली भी निकल के आ जाती है कभी कभी। इसके अंदर भी होते हैं अक्सर ना, चूंटियाँ ही लग रही हैं मुझे तो। निकालो इसको, तोड़ो ना इसको सही से, खींचो हाथ से पकड़ा, खींचो। फ्रैक्चर वैक्चर नहीं करवा लेना अपने। ये तो नहीं निकल रहा यार, निकलेगा कुछ आया चूटियाँ ही। अरे है ये देखो उनका खाना सारा इधर उधर गिर रहा है। सॉरी हमने खाना गिरा दिया, चलो चलो लोग गुस्सा ना हो जाए। अब इसके अंदर चेक करें, छुपकलियाँ ना हो, छुपकलियाँ ना हो। मुझे डर लगता है यार, तुम करके देखो ये हरकत। खींच दो इसको पकड़ के, नहीं कुछ नहीं, खींच दो ना, निकाल दो, सफाई भी हो जाएगी। कीड़ा नहीं मिला तो कोई बात नहीं। अब हम फूलों के अंदर तलाश करने वाले हैं कि कहीं मिल जाए। देखें फूलों के दरमियान कोई बैठा हो, कोई फूलों पे चिपक कर। आप भी देखते रहें, हमें बताते रहें अगर आपको मिल रहा है तो। यह आम का दरख्त है जो हमने लगाया था। अरे नहीं ये तो चीकू का है, सॉरी आम का नहीं है। मुझे लगता था ये आम का, लेकिन इसमें तो चीकू निकल रहा है। ये किसने धोखा दिया मुझे। हम इस जगह पे आ गए हैं और यहाँ पे हमें बहुत सारे आसार लग रहे हैं कि कीड़े हो सकते हैं। क्यों भाई हसन, हो सकते हैं ना, इधर लग रहा है ना देख के। देखें यहाँ पे हर जगह सुराख ही सुराख हैं। इसमें छुपकलियाँ मैंने अभी देखी थी, एक छुपकली भागी थी अंदर की तरफ। तो हम तलाश करते हैं कीड़ों को, इसके अंदर हो कोई, निकल के आओ। कोई है तो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाए, जन्नात निकल के ना आ जाए। ये दरख्त में हुआ ये है कि ये एक दरख्त था, सही है ना, ऑलरेडी वो पुराना हुआ तो उसके अंदर से एक और दरख्त निकल के आया। अब ये देखें ये एक हिस्सा है और इस दरख्त के अंदर से एक हिस्सा निकल के आया और ये ऊपर गया दरख्त, दूसरा दरख्त भी इसी के अंदर से निकल के आया। तो ये जो पुराना दरख्त था ना ये ख़त्म हो गया। अब आप इसकी हालत देख सकते हैं, ये हुआ सीन। तो भाई दोस्तों हम लोग यहाँ पे जंगल की तरफ आ गए और हम ढूंढ ढूंढ के थक गए और अभी तक हमें मिला नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये थोड़ा जंगल टाइप है। ये एक कीड़ा मिल गया, ये देखें आप, ये मैंने कहा ना, ये रहा देखो। हाँ इसको पकड़ लेते हैं। तो पकड़ लो, कैसे पकड़ेंगे, हाथ हाथ से। किसी ने अपना नाम भी लिखा है, आइए 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 आपका। अच्छा मैं गाना समझा, वो भाई टांगे टूट जाएंगे उसकी। क्या नहीं नहीं काटना नहीं है, इतनी मुश्किल तो मिला बेचारा। इसको हमें कोरमा बनाएंगे इसका,
एक मिनट ना हाथ में पकड़ लो ना, एक मिनट इसको हाथ में पकड़ लो, आ जाओ आ जाओ, हाथ में आओ। अरे ये लो, कुछ नहीं करता क्या चल रहा है? नहीं नहीं काटना नहीं, काटना नहीं भाई, इतनी मुश्किल से तो मिला है। गुदगुदी हो रही है, गुदगुदी हो रही है, गुदगुदी हो रही है यार, इसको उठा दो। नहीं नहीं कहाँ चल, फेंक दिया तुम लोगों ने, पड़ेगा। हाँ ये देखे हमने कीड़ा पकड़ लिया, अब ये बताएगा ये करना क्या है इसका। ये तो मुझे भी नहीं पता। एनवायरमेंटल स्टडी तो उसमें ये होता है, कीड़े को पकड़ के उसके एनवायरमेंट से निकाल दो, इकोसिस्टम से निकाल दो उसके बेचारे के। को पता होगा। अब देखते हैं क्या कर रहा था ये, फिर जो हमें बताएगा ना फिर हम आपको बताएंगे। हाँ क्या कह रहे थे तुम? मैं कह रहा था अमरीका तो आपसे नाराज हो जाएगा। मगर क्यों? क्योंकि आपके पास रशियन टॉर्टोइज है ना। हमने बोतल ले लिया भाई दोस्तों, इस बोतल के अंदर अब हसन सुराख करेंगे और फिर इस बोतल के अंदर ना इसको रखेंगे। मैं सुराख करूँगा तो जाहिर है मैं वीडियो बना रहा हूँ ना। और ये हमारे पास कीड़ा है, तुम तो सुराख करो वो। इसको हमने थोड़ा सा नेचुरल एनवायरनमेंट दे दिया, इस दरख्त से उठाया था ना इसलिए उसके दरख्त के वो पत्ते ले आए हम लोग, ताकि उसको थोड़ा सा घर घर सा फील हो। अरे होगा ना, कोशिश तो करो। देखें बोतल भाई तैयार हो गई है, इसमें हमने बहुत सारे सुराख भी कर दिए। अब इसको हम नेचुरल एनवायरनमेंट देने के लिए थोड़ा सा इसका चूरा करके डालेंगे, बहुत बारीक बारीक सा चूरा, ताकि इसको थोड़ा सा ना अपना अपना सा पन महसूस हो इसके अंदर। ये हमने नेचुरल एनवायरनमेंट बना दिया और अब ये कीड़ा जाने वाला है इसके अंदर। हसन भाई डालेंगे, हसन कर लोगे ये काम? शाबाश। चले गए अंदर? हाँ। कैसा है मज़े में? रोशनी में देखते हैं, दिख नहीं रहा मुझे कुछ भी। अच्छा मेरा हाथ आया भाई, अब दिखेगा। मज़े में ही है, हाँ मज़े में ही है। चलो भाई एंजॉय करो, तुम नया घर मुबारक हो तुम्हें, उसका ख्याल रखना ठीक है ना भाई, प्लीज़। हाँ। तो भाई हम कीड़े पकड़ने गए थे, ये हुआ कि यहाँ पे सैलाब आ गया है, अब पानी बन नहीं गया था, अब जल्दी से पानी बंद करते हैं, तो बड़ा मसला हो गया यार। तो दोस्तों ये देखें, ये दरिया बन गया पूरा, सब डूब गया हमारा पूरा फार्म में, सब पानी पानी हो गया है। तो कोई बात नहीं, अब ये है कि ये रात पर सूख जाएगा इंशाल्लाह, और हमारे जानवर रात को इधर उधर सो जाएंगे। कुटुम्बे अभी ऐसे खड़े हैं, जैस यहाँ पे आ गया, जैस आ जाओ इधर आ जाओ तुम भी। तो ये ना इंशाल्लाह सुबह तक ना सूख जाएगा। अब ये होगा कि ज़मीन में ना पानी साथ साथ जब सो जाएगा, पहले वहाँ पर गटर है तो गटर के अंदर पानी जा रहा है, तो ये इंशाल्लाह रात भर में इंशाल्लाह साफ हो जाएगा, और सुबह भी आप देखिएगा फिर सही हो जाएगा। ये चूहे का बिल है, इसमें मैंने पानी छोड़ दिया, थोड़ी देर बाद चूहा निकल के भागेगा। ये सारा पानी जा रहा है चूहे के बिल में, बाकी यहाँ पे गटर है उसमें जा रहा है। तो ये देखें यहाँ से पानी जा रहा है, वहाँ से भी पानी जा रहा है, और मैं कहाँ से जाऊँ यहाँ से बाहर। यहाँ पे इन लोगों ने रास्ता बन करके खड़े हुए, ये सारे खड़े हुए, ये पिंका खड़ा हुआ है, ये खड़ा हुआ है, ये खड़ा हुआ है। तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है किस तरह से जाऊँ, मुझे तो कीचड़ में से जाना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने तो रास्ता बंद कर दिया। तो चलें आज के लिए इतना ही, मैं कोई रास्ता निकाल दूँ जाने का। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक फॉलो सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ अल्लाह हाफिज़। Subscribe.